अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 22 फरवरी 2020 को संस्कृत सब्जेक्ट के लिए प्रथम पाली में आपने एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। आपका कोई भी सेट हो, हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप सभी सेट का मिलान कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, कह रहे कि सत का मुख किससे ढका है। तो क्या कीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट आप अपने क्वेश्चन में खोजिए कितने नंबर में है, और जैसा हम यहाँ पर टिक करेंगे उसी प्रकार से आप टिक करते चलिए। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा हिरणमय पात्र से। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर दो, कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ये देखिए मुंडकोपनिषद का जो है ये मूल मंत्र है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहे कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर चार, कह रहा है कि सिखों के दसवें गुरु कौन थे। तो सिख का दसवां गुरु कौन थे, देखिए ये गुरु गोविंद सिंह जो थे वे सिख के दसवें गुरु थे, तो ऑप्शन गुरु थे। तो चार का सही ऑप्शन आपको होगा सी। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो देखिए पाटलिपुत्र जो है वो आपको पूर्व में, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ये, आंसर होगा बिहार, पाटलिपुत्र यानी पटना। जो संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या वह चार थी, तो जो ऑप्शन सी में है, इसलिए चार का सही ऑप्शन आपको, सात का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, आंसर हो गया चार। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर आठ, कह रहे हैं कि अलस कथा पाठ की रचयिता कौन है। तो अलस कथा पाठ की रचयिता जो है वो विद्यापति हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा विद्यापति। तो अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं, कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 24, और वहीं अथर्ववेद की बात कहे तो 5 होगा, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ पर ऋग्वेद कह रहा है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 24। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, कह रहा है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन हैं। तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए, आंसर होगा पंडिता छमारो, ऑप्शन ए, शंकर चरित के जो रचनाकार हैं पंडिता छमारो हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की जो महिमा है वो सर्वत्र गाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया आपको भारत। तो 11 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ये, आंसर होगा ईश्वर। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, कह रहा है कि शेषव संस्कार कितने हैं। तो देखिए शेषव संस्कार जो होते हैं वो आपको 6 प्रकार के होते हैं। तो कुल संस्कार कितने हैं, वो आपको 16 हैं, जिसमें से सब संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। तो 13 का सही ऑप्शन आपको हो गया 6। तो यहाँ पर जो भी आंसर की दिया जा रहा है बिल्कुल सही आंसर की दिया जा रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। देखिए चरित्र का जो निर्माण होता है वह संस्कारों से होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा संस्कारों से, चरित्र का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 15 कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो देखिए अंत्येष्टि संस्कार जो होता है जब आदमी मर जाता है तब होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा मरने के बाद। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। देखिए गोदान जो है वो विवाह संस्कार का मुख्य कर्म है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया विवाह। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, कह रहे हैं कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो ये उद्योग पर्व से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया अभी, आंसर हो गया उद्योग पर्व। ऑब्जेक्टिव नंबर 18 कह रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा मंत्री विदुर, जो थे महाराज धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्न का उत्तर देते थे। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है, कह रहा है कि अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ये, आंसर होगा नीति श्लोका। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो भी आंसर की दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल गणित
बिल्कुल, ये संस्कृत के बहुत बड़े टीचर के द्वारा तैयार किए गए आंसर, इसलिए कहीं कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। फिर भी कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुक से मिलाने के बाद ही आप लोगों को आंसर की उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव नंबर 20, कौड़ाई की परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा 20 का, वो होगा आपको ए आंसर होगा विद्या। विद्या जो है परम तृप्ति देने वाली है, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 21, कौड़ाई की करमवीर कौन था? तो ये राम परवेश राम करमवीर था, तो ऑप्शन ए होगा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव नंबर 22, कौड़ाई की लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है, तो 22 का सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा उद्योगी पुरुष। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 23, कौड़ाई की व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो देखिए व्याघ्र पथिक कथा जो है वो आपको इनका सही ऑप्शन आपको हो गया ए आंसर हो गया हितोपदेश। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, ऑब्जेक्टिव नंबर 24, कौड़ाई की स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा मूल शंकर। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव नंबर 25 की देखिए, 25 से लेकर के 36, 24 से लेकर के 24 तक है, उसके बाद 25 से लेकर के 35 तक का क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है। इनका जो है कि आंसर की आपको कुछ देर बाद ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 36, कड़ाई की एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए आंसर होगा एक एकम। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, कड़ाई की तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा यथाशक्ति। ऑब्जेक्टिव नंबर 38, कड़ाई की चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में आपको ये जो समास है वो आपको ए ऑप्शन ए में जो द्वंद समास है ये है, तो चराचरम में द्वंद समास है। ऑब्जेक्टिव नंबर 39, कह रहा है कि दानार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है? इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा माता रमेशाय भोजनम गच्छति यच्छति, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 40, कह रहा है कि सहपद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो 40 का सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा तृतीया विभक्ति। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 41, कह रहा है कि गृहात बही उद्यानम अस्ति यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो 41 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा बी आंसर होगा पंचमी। ऑब्जेक्टिव नंबर 42, कह रहा है कि अलम मत करो में कौन सी विभक्ति है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा 42 का वो होगा सी आंसर होगा षष्ठी। ऑब्जेक्टिव नंबर 43 की हम बात करें, कह रहा है कि किस शब्द में परी उपसर्ग है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा परिहार। ऑब्जेक्टिव नंबर 44, कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए तो 44 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा सी आंसर होगा प्रति। ऑब्जेक्टिव नंबर 45, कह रहा है कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है? तो 45 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए आंसर होगा भव। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव नंबर 46, कह रहा है कि अलिखत किस प्रकार का रूप है? तो देखिए अलिखत जो है वो आपको लंग लकार का रूप है, तो ऑप्शन जो बी में है। अब हम ऑब्जेक्टिव नंबर 47 की बात करें, कह रहा है कि पचेत किस धातु का रूप है? तो पचेत जो है वो पच धातु का रूप है जो ऑप्शन ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि अकुर्वन में कौन सी धातु है? तो अकुर्वन में जो है वो आपको क्री धातु है, ऑप्शन जो कि बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि मतिसु में कौन सी विभक्ति है? तो मतिसु में जो है आपको ऑब्जेक्टिव नंबर 49 का देखिए, तो 49 का सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा सप्तमी, इसमें सप्तमी विभक्ति है। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव हम देखें, ऑब्जेक्टिव नंबर 50, कड़ाई की भव तो किस शब्द का रूप है? तो देखिए 50 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी आंसर होगा भव। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव नंबर 51, कौड़ाई की लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा लता भी। ऑब्जेक्टिव नंबर 52, कौड़ाई की वयज और कतवा से कौन सा शब्द बनेगा?
तो इनका सही ऑप्शन बयावन का होगा, वो होगा सी, आंसर होगा वक्तवा, ऑप्शन सी में है। ऑब्जेक्टिव नंबर 53 कह रहा है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सहनीय में जो है आपको 53 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए, आंसर होगा अनियर। ऑब्जेक्टिव नंबर 54 कह रहा है कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 54 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा मतुप। ऑब्जेक्टिव नंबर 55 कह रहा है कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिक, तो 55 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए, आंसर होगा एक प्रत्यय है। ऑब्जेक्टिव नंबर 56 कह रहा है कि मित्रजोर तल का निष्पक्ष रूप है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा मैत्री। ऑब्जेक्टिव नंबर 57 कह रहा है कि तरह डॉट डॉट चरंती, तो खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा, तो देखिए मेरे ख्याल से इनका सही ऑप्शन सी होना चाहिए, कन्फर्म नहीं है, आप लोग कॉमेंट करके बताएं। ऑब्जेक्टिव नंबर 58 कह रहा है कि श्रू जोर तुम का निष्पक्ष रूप क्या होगा, तो देखिए 58 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा बी, आंसर होगा श्रोतुम। आप लोग कंफर्म हो सकते हैं क्योंकि ये संस्कृत के आचार्य शिक्षक के द्वारा आंसर तैयार किए गए हैं, तो इसलिए एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 कह रहा है कि वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा 59 का ए, आंसर होगा वृद्ध जोर कत्त। ऑब्जेक्टिव नंबर 60 कह रहा है कि शताब्दी कैसा समास है, तो इनका देखिए शताब्दी जो है वो आपको द्विगु समास है क्योंकि यहाँ पर संख्या का बोध होता है, तो 60 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो कम से कम 5 से 10 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आपको मैथमेटिक्स का जो सॉल्यूशन सीरियली आपका तैयारी हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।